क्वेश्चन को भी समझना है। ये थ्योरम नंबर वन है नाइन्थ और मैट्रिक का, और थ्योरम नंबर वन जो है वो आप लोग समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि वन थ्योरम है बुक का, पहला थ्योरम है, तो नाइन क्लास वालों के लिए तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक क्लास वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट ही समझा जाएगा जब भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू के फाइव थ्योरम्स लाइंस और पॉलीगॉन्स के दिए गए। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि जो पिछला जो मैंने थ्योरम फाइव आपको डिस्क्राइब किया था उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम बाहर दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं अभी आपको आसान करके समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह मुझे पक्की उम्मीद है। अच्छे तरीके से आसान वे पे समझाऊंगा तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कह रहे हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म डार्क कॉन्जुरेंट। हमारे पास दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेट सपोज हम दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन हो गई लाइन वन, ये लाइन वन है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली हो गई लाइन टू। ये दो अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और उसी के साथ साथ हम डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ हो रही है आपके सामने, एक हमारे पास लाइन वन है और सेकंड हमारे पास लाइन टू है, और इसमें बाकायदा तौर पर हमें पता है कि एक जो हो जाएगा वो आपका लाइन वन को कंसिडर करते हुए पी का पॉइंट हो जाएगा और सेकंड पॉइंट आपका Q का हो जाएगा, यानी एक लाइन आपकी PQ हो जाएगी और एक लाइन आपके पास AB हो जाएगी, यानी एक लाइन AB होगी और एक लाइन PQ होगी। जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपके सामने लाइन को प्रॉपर वे में ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये लाइन ऐसे कंसीडर की जाएगी, ये लाइन होती है बेसिकली, ये लाइन होती है जिसमें डबल एरो मौजूद हो, इसे हम लाइन कहते हैं, और फिर साथ साथ जो है वो हम इसमें मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास लाइंस के पॉइंट कौन से हैं। एक लाइन हमारे पास पी क्यू है और एक लाइन हमारे पास ए बी, तो याद रहे डबल एरो वाला लाइन आपके पास कहलाएगा, इसको आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने कहा इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, द वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म आर कॉन्जुरेंट। अच्छा वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर कर रही होंगी, वो पॉइंट ओ का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ओ। ठीक है, तो टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड दी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर कॉन्जुरेंट। अब एंगल्स कौन कौन से हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर एंगल्स लिख देता हूँ आपके सामने, आपके लिए आसानी रहेगी। ये एंगल, वेट, ये एंगल आपके पास एंगल वन कहलाएगा, एंगल वन, ये एंगल टू कहलाएगा, ये एंगल थ्री कहलाएगा और ये एंगल फोर कहलाएगा। मतलब समझो कि ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल वन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो है वो टू है, इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो थ्री है, और इस लाइन से लेकर हमारी फर्स्ट लाइन तक का जो एंगल है वो एंगल फोर है। अच्छा तुम लोगों ने 180 डिग्री के लिए थ्योरम फाइव को देखा है, अभी थ्योरम फाइव क्या बात बताता है कि जब हम दो एंगल का सम कर लेते हैं तो बेटा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जब हम किसी भी दो एंगल्स या दो से ज़्यादा तीन एंगल्स का सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, इट कुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल्स कुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स का हम सम कर लेते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, और साथ साथ ये बात भी समझ में आ जाती है कि जो एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं या जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है
उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट, सही है? तो ये भी ध्यान में रहे कि ये आपका रीजन हो सकता है। नाउ अब गिवन से स्टार्ट करेंगे हम अपने ट्राइंगल को, कि हमें सवाल ने क्या गिवन दिया। गिवन में हमें सवाल ने जो सवाल के अंदर हमें लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था सिर्फ दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पर। लाइंस के ऊपर मैंने ये डबल एरो जो लगाया है, ये किस चीज को शो करेगा कि ये दो लाइनें हैं, ये साइड नहीं है, लाइन है। याद रहे साइड क्या होता है कि जब हम किसी दो वेरिएबल के ऊपर बार लगाते हैं तो वो साइड को रिप्रेजेंट करता है। लाइक ए बी इनटू द बेस बार, बार यहाँ पर आप ऊपर अगर लगा देते हैं तो ये उसकी बेस कहलाती है, यानी ए बी के ऊपर बेस आ गया। बट हम ये नहीं बात कर सकते, हम यहाँ पर ये करेंगे टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी भी एक एरो शो कर रहा है, पी क्यू भी एक एरो शो कर रहा है, तो ये डबल एरो जो है ये कहलाता है लाइन के लिए। तो कह रहे हैं टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ, हमारे पास दो लाइन है ए बी और पी क्यू जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, यही हमारा असल जो है वो पॉइंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ क्या करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म डार्क कॉन्जुरेंट। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, मैं इसके जरिए से पूरा थ्योरम आपको चेंज करके बताऊंगा और इस थ्योरम के जरिए हम प्रूफ कर लेंगे अपनी बात को। इन्होंने कहा वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म होने चाहिए, कॉन्जुरेंट होने चाहिए। वर्टिकल एंगल कौन सा, मतलब वन के सामने वाला एंगल कौन सा है थ्री, एंड टू के सामने वाला एंगल कौन सा है फोर। तो बेटा हम लिखेंगे क्या, एंगल वन, एंगल के लिए ग्रेटर देन का साइन आता है, एंगल वन कॉन्जुरेंट टू एंगल टू, एंगल थ्री, यानी एंगल वन एंगल थ्री के बराबर होना चाहिए। नंबर टू एंगल टू, एंगल टू बराबर होना चाहिए एंगल फोर के। ये ग्रेटर देन का साइन लाजमी एंगल के लिए शो किया जाता है, एंगल फोर के। ये बात इन्होंने हमसे करी भाई कि एंगल वन एंगल थ्री के बराबर हो जाए और एंगल टू एंगल फोर के बराबर हो जाए। जब मैं इसे न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दूंगा तो हमारा ये थ्योरम इजी हो जाएगा। ओके बेटा, जहन में रहे कि आपको जो है ना वो थ्योरम इजी करने के लिए मैं न्यूमेरिक फॉर्म समझाई है। तो क्या आपको न्यूमेरिक फॉर्म क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए, क्या इस न्यूमेरिक फॉर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल डेट गुड, प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब जरा समझिए भाई, हमने अपोजिट एंगल्स को फॉर्म कॉन्जुरेंट किया है, लाइक एंगल वन एंगल थ्री, ये अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं, ये फॉर्म होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। टू और फोर अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होने चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। फिर हमारे पास थ्योरम फाइव के अंदर बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ प्रूफ है डायरेक्ट, इट इज स्टेटमेंट एंड रीजन, और टोटल सिक्स पॉइंट्स है, वहाँ पर भी कोई एट पॉइंट्स थे, हमारे पास यहाँ सिक्स पॉइंट। तो बेटा ये एंगल बेसिकली वर्डिंग में क्या दिखा रहा है और मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मैं एंगल पी ओ बी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा देखो पी ओ बी की डायरेक्शन क्या है, पी ओ एंड बी, इस पी ओ बी के अंदर कौन सा एंगल हमने लिखा है, एंगल वन। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल वन, हम डायरेक्टली लिख देंगे मेजरमेंट एंगल वन प्लस, अब जरा देखो दूसरा क्या है, ए ओ पी। अब ए ओ पी की डायरेक्शन देखो, ए ओ पी, अब इनके दरमियान कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल टू, ए ओ पी, तो कौन सा एंगल आया, एंगल टू, मेजरमेंट एंगल टू। ये दोनों जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। कैसे 180 डिग्री के बराबर होंगे, आइए हम इसको पहले देखते हैं कि कैसे 180 डिग्री के बराबर होंगे, हम डायग्राम पर नोट करते हैं, ठीक है। आपकी सारी तर तवज्जा इस लाइन पर होनी चाहिए, किस लाइन के ऊपर, ये ए बी वाली लाइन पर, ठीक है। कैसे, ये बी की लाइन से एंगल स्टार्ट हो रहा है, बी की लाइन से एंगल स्टार्ट हो रहा है, एंगल वन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एरो आप देखिए, ये एरो जा रहा है इस तरफ, तो ये बी की लाइन से एंगल स्टार्ट हो रहा है और ये वापस ए बी की लाइन पर आकर रुक रहा है, यानी ये ए बी की लाइन से ही एंगल स्टार्ट हो रहा है और वापस ये कहां पर आकर एंगल खत्म कर रहा है, एंगल ए बी पर ही आकर खत्म कर रहा है। मतलब वो इसी लाइन की बात कर रहा है, वो जो वन एंगल है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और टू पर जाकर खत्म हो रहा है, टू भी जो है ना वो एंगल टू भी जो है वो ए बी की लाइन पर ही एंड हो रहा है। तो मेरा मकसद है, मेरे पास इस लाइन की बात हो रही है जो कि एंगल वन और एंगल टू का सम है,
एंगल वन और एंगल टू का सम जब वो एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेगा तो वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि मतलब उनका सम जो है बेटा 180 डिग्री के बराबर है, इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स हैं, मतलब एंगल वन और एंगल टू को सम करेंगे तो ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री के बराबर होगी और 180 डिग्री के बराबर इस तरह है। और आप रीजन में इतना बड़ा रीजन नहीं लिखिएगा, आप रीजन में सिर्फ इतनी सी बात लिख दीजिएगा, सप्लीमेंट पोस्टुलेट, दैट्स इट। ये ब्रैकेट वाली बात लिखेंगे, ये वन डाल के आप लिख देंगे सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट या सप्लीमेंट पोस्टुलेट, ठीक है बेटा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, जब मैंने वन और टू को ऐड किया तो वो एक लाइन बना दिया और वो लाइन किसके बराबर होती है, 180 डिग्री। अब आ गया नंबर टू पॉइंट, मेजरमेंट एंगल ए ओ पी, दोबारा ये ए ओ पी की बात कर रहा है, मतलब टू की बात कर रहा है। अब टू एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, इस वाली लाइन से, तो यानी अब हम पी क्यू की बात करेंगे। तो एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू कौन सा वाला है, ये थ्री वाला है, एंगल थ्री वाला, ए ओ क्यू और ए ओ पी। तो ए ओ पी मेजरमेंट एंगल टू है, तो मैं लिख दूंगा इसकी जगह पर मेजरमेंट एंगल टू प्लस मेजरमेंट एंगल थ्री, मेजरमेंट एंगल थ्री किसके बराबर होना चाहिए, ये भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कैसे 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, अब उसको देखिए, ये कैसे 180 डिग्री के बराबर होगा, आप इसको नोट करिए, ये कैसे 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। अब देखिए, टू का एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, पी की लाइन से, और कहाँ तक जा रहा है, क्यू की लाइन तक। तो बताओ पी क्यू की लाइन जो है वो भी तो डबल एंगल प्रोड्यूस कर रही है। अब देखें आप, ये पी क्यू की लाइन हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो है ये वाला एंगल भी तो 180 डिग्री बता रहा है। तो हमने लिख दिया टू प्लस थ्री, एंगल टू एंगल थ्री का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के। और इसमें भी आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दें, सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट, क्योंकि सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट वो पोस्टुलेट होता है कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो तो हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट, और अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो वो किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब नंबर थ्री पॉइंट क्या करता है, देयर फोर, मेजरमेंट एंगल टू यानी पीओबी यानी के मेजरमेंट एंगल, इन्होंने कहा पीओबी यानी मेजरमेंट एंगल पीओबी। अब पीओबी कौन सा वाला है, इनको ऐड करना है। बेसिकली क्या हो रहा है, आप जरा समझना, हम इनको इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करते हैं, जरा सुनो कैसे करते हैं, यानी कि ये वन और टू भी बराबर है 180 डिग्री के, वन प्लस टू भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के, और टू प्लस थ्री भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो इन दोनों में सेम क्या है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 180 डिग्री से कैंसिल हुआ और हम लिख देंगे मेजरमेंट एंगल वन प्लस मेजरमेंट एंगल टू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल थ्री, सॉरी मेजरमेंट एंगल टू प्लस मेजरमेंट एंगल थ्री। यानी हमने दोनों को एड इक्वेट कर दिया, कैसे इक्वेट किया, जो सेम साइड थी उसको हटा दिया और वन प्लस टू बराबर कर दिया टू प्लस थ्री के, यानी इन दोनों को इक्वल कर दिया। और ये चीज क्या कहलाती है, कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। बस यहां तक लिखोगे कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जरा आप इस पर भी गौर करना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हवाले से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इन दोनों में सेम क्या है, बी, तो बी से बी कैंसिल हो गया और ए बी सी के बराबर हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने बोला है कि वन प्लस टू 180 के बराबर है और टू प्लस थ्री भी 180 के बराबर है, तो इसमें 180 सेम है, 180 को कैंसिल किया और इन दोनों को भी बराबर कर दिया, वन प्लस टू और टू प्लस थ्री,
ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहलाती है, मतलब ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। अब जरा समझना, गौर से समझना, ये वन और टू कैंसिल हो जाएंगे, गौर से समझिए, ये वन और टू कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ये टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, ये टू से टू गया पूरा पूरा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मेजरमेंट एंगल वन, मेजरमेंट एंगल वन बराबर होगा मेजरमेंट एंगल थ्री के, मेजरमेंट एंगल वन बराबर होगा मेजरमेंट एंगल थ्री के, यानी वन थ्री के बराबर हो गया। ये बात हमने प्रूफ भी करनी थी कि वन थ्री के बराबर हो जाए, लेकिन अभी सिर्फ बराबर हुआ है, कॉन्ग्यूरेंट नहीं हुआ। कॉन्ग्यूरेंट का साइन क्या होता है, इज इक्वल टू के ऊपर हम ये टिल्टा का साइन बनाते हैं, इसको कहते हैं टिल्टा, इसके ऊपर हम ये टिल्टा का साइन बनाते हैं तो ये कॉन्ग्यूरेंट कहलाता है। अच्छा, अभी ये टू को कैंसिल करने के बाद वन थ्री के बराबर हो गया, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कैंसिलिंग मेजरमेंट एंगल टू, यहाँ लिखोगे कैंसिलिंग मेजरमेंट एंगल टू फ्रॉम बोथ साइड, हमने एंगल टू को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। अब आओ पांचवे पॉइंट पर, और पांचवा पॉइंट ये कहता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, अगर दो एंगल इक्वल हो, ये इक्वल टू का साइन है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्यूरेंट, अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो इसके बीच में आप कॉन्ग्यूरेंट का साइन भी लगा सकते हो, अगर दो एंगल इक्वल है तो वो कॉन्ग्यूरेंट कहलाएंगे। तो मेजरमेंट एंगल वन और मेजरमेंट एंगल थ्री, अब बीच में साइन क्या बताएगा, कॉन्ग्यूरेंट का साइन बताएगा, ठीक है, और इसके फौरन बाद सिमिलरली पॉइंट सिक्स हमारा क्या कहता है, पॉइंट सिक्स हमारा कहता है कि भाई अगर जिस तरह वन और थ्री बराबर हुए हैं इसी प्रोसेस से, बाय द अबव प्रोसेस मेजरमेंट एंगल टू भी फोर के बराबर हो सकता है, जिस तरह वन और थ्री के बराबर है इसी तरह टू और फोर भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्यूरेंट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहां पर क्या लिख देंगे, मेजरमेंट एंगल फोर। तो इस तरह हमारा थ्योरम यहाँ पर प्रूव हुआ। क्यू डॉट ई डॉट डी क्यू लगाते हैं, इसका असल फॉर्म क्या होती है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका असल जो फॉर्म है वो क्या है, क्वाड एरा डेमोस्ट्रेटिव, जिसका रीजन क्या है कि ये चीज हमने ऊपर प्रूफ कर दी है, क्वाड एरा डेमोस्ट्रेटिव, ये बात हमने ऊपर प्रूफ कर दी। तो बेटा ये था आपका थ्योरम नंबर वन, जिसको मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा तो वो कितना ईजी है, और अगर मैंने जो है वो आपको अगर एंगल की वर्डिंग में लिखवाऊंगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैंने ये थ्योरम आपको समझा दिया, तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और फिर इसको कॉपी भी कर लें, और फिर इससे मुतालिक जो सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं चैट के ज़रिए।